सर ये पाकिस्तान बनने से पहले बना हुआ चल रहा है, 50-60 साल तो हो गए हैं। ओके ठीक है। और ये मटन कोरमा है। अच्छा ये कोरमा है, यानी सारी आपकी आइटम्स जो हैं वो मटन में ही होती है। जी सबसे पहले हम मटन कीमे से आगाज़ करते हैं। ये गार्निशिंग वगैरह उन्होंने धनिए और अदरक की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको खांसी लग गई है। इसमें से जनाब ये देखिएगा, जब हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि ये अंडा निकलता है मुर्गी में से, इसका मतलब ये मुर्गी है। वेलकम टू फूड ऑन प्लानेट, एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ। तो मैं हूं मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले तो मैं अपॉर्चुनिटी ग्राब करूंगा अपने उन सब्सक्राइबर्स को या मेरे जो देखने वाले हैं, शुक्रिया करने की कि जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। स्पेशली वो लोग जो अक्रॉस द बॉर्डर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और अपने वैल्यूड फीडबैक से अपना कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियोस के शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, और उन देखने वालों के लिए भी जो नए देखने वाले हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ताकि इसको और लोगों तक आगे से आगे पहुँचाया जा सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं हूँ यहाँ पर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने माल रोड पे, और यहाँ पे हमने विज़िट करना है बिल्कुल एक साइट पे करके अंदर करके एक हिडन रेस्टोरेंट है पैराडाइज के नाम से, बहुत अरसे से यहाँ पे सिचुएटेड है। तो चलें आज चल के इसको विज़िट करते हैं। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको पैराडाइज का व्यू भी कराते हैं, उनके खाने में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी दिखाते हैं। तो चलें चलते हैं। यहाँ पे एक बिल्कुल पुरानी सी बिल्डिंग है, मैं अभी देखता हूँ इस बिल्डिंग का नाम क्या है एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप एंटर हो जाते हैं, एंटर हो के यहाँ पे रश भी लगा हुआ है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए जी, ये है जी पैराडाइज का किचन, और ये जी मटन जॉइंट है। ओ तो ये कोरमे की शक्ल में बने होते हैं या आप इसे एज यूजुअली नॉर्मल सालन की शक्ल में बनाते हैं? कोरमे की शक्ल में होता है, कोरमे से डिफरेंट होता है। ओके ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी हमारे पास? मटन कीमा है ये। ओके ठीक है। और ये मटन कोरमा। अच्छा ये कोरमा है, यानी सारी आपकी आइटम्स जो हैं वो मटन में ही होती है। ओके पीछे है मटन बिरयानी। ये क्या है जी? ये चिकन करी स्टाफ के लिए होती है। अच्छा स्टाफ के लिए होती है। और ये पालक बिरयानी। ये मटन पुलाव पुलाव। ओके। और ये दाल है? दाल चिल्ली। ठीक 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 ठीक। और यूजुअली यानी कि आपके जो मेन्यू में है 5-6 आइटम्स मेनली और मटन से रिलेटेड होते हैं, और पालक में भी मटन होता है? अच्छा पालक में भी होता है। अच्छा पालक सादी होती है। ओके। सर ये पाकिस्तान बनने से पहले बना हुआ चल रहा है, 50-60 साल तो हो गए हैं इसी बिल्डिंग। हाँ जी मुझे भी यहाँ 60 साल हो गए हैं। अच्छा। काम करते हुए इसलिए पहले वाले साहब के साथ थे, अब बेटे चले आ रहे हैं उनके साथ हैं। आपकी क्या ड्यूटीज हैं यहाँ पे? मेरे ये खाना सर्व करते हैं। हाँ जी। यानी कि आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा डालने का। जी जी। किसी को आगे ज़्यादा ना चले जाए। जी जी। तंदूर लगा हुआ है यहाँ पे, इनका फ्रेश रोटियाँ यहाँ पे बन रही होती हैं तंदूर की, और सिर्फ इनके पास सादी रोटियाँ होती हैं और नान वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल पर्टिकुलर मेन्यू रखा हुआ है, कोई नखरेबाजी नहीं, कोई जी नान फलाना नान, रोगनी नान, तिल वाला नान, कलवंजी नान। वेल जी देखिए खाना आ चुका है हमारा। ये मटन कीमा है, ये जनाब
पालक है, मटन कोरमा, और ये देखिए ये मुर्गे मुसल्लम आ गया। कोई बात नहीं, वाह जी। आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं रिजवान साहब, और ये उनके दोस्त हैं जाहिद साहब। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आप शुरू करें। तो जी ये सबसे पहले हम मटन कीमे से आगाज़ करते हैं, ये गार्निशिंग वगैरह उन्होंने धनिए और अदरक की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको खांसी लग गई है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ आपका बात सुन ली और उन्होंने इम्प्रूव कर दी अपने खाने। फैक्ट्री जी ये रिजवान साहब हैं, ये यहाँ पे क्योंकि पास ही इनका बिजनेस है, ये यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर। फिर ले आए आप? अच्छा, और ये मुर्ग मुसल्लम ज़रा हमने इसको थोड़ी देर के लिए बाहर भिजवा दिया था, क्योंकि जब इन्होंने सिजलिंग की है प्लेट, सिजलिंग प्लेट में डाला है तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल आया था। रोटी बड़ी ज़बरदस्त है यार इसकी, ये मुझे लग रहा है सही आटे की रोटी है, वरना मार्केट में तो मुझे मिल रही है। और ये जी देखिए ये इनका कोरमा है, दिस इज़ फार बेटर देन दिस, आई मीन ये भी अच्छा है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। इसमें से जनाब ये देखिएगा जब हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि ये अंडा निकलता है मुर्ग में से, इसका मतलब ये मुर्गी है। और ये देखिएगा इसको बहुत सॉफ्ट है ये, कि आप नॉर्मल ये छुरी है बटन नाइफ है ये उससे, और लुक एट दिस, स्टफिंग हुई हुई है मेवों की, बादाम की, अमेजिंग। ठीक हो गया सर। जनाब अब ये बारी आ गई है मटन पालक की। पालक मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बनी हुई है, देखें इसका कलर, उसने अभी अपना वो ब्लैक कलर जो यूजुअली होता है वो नहीं छोड़ा, अभी उसने ब्लैक कलर नहीं किया, खड़ी खड़ी रखी हुई है। और ये बोटी का पीस लिया है एक मैंने, और पालक बिल्कुल शादी वाला फील है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो बलीमा हाउस की, वो भी मैं ऊपर लिंक शेयर कर देता हूँ, वो भी जो फील था पालक का और राइस का बहुत ज़बरदस्त था, और ये कम्बिनेशन पालक और राइस का ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। अब बारी है मुर्ग मुसल्लम की, रोटी दे दीजिएगा सर। तो ये देखिए जी यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं, आ गई जी बोटी, अब आ गया ये ग्रेवी इसकी, इसकी हॉट प्लेट अभी भी हॉट है। चिकन भी बहुत ज़बरदस्त है फ्लेवर, खासतौर पे जो उसकी ग्रेवी का फ्लेवर है, तो
ग्रेवी इज़ रियली अमेजिंग, ग्रेवी का भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। तो चले हम ज़रा अभी अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इस पूरे ओवरऑल हमारे जो भी हम आज मेन्यू में हमारे पैराडाइज के खाना है उसका भी देख देता हूँ। वेल जनाब, खाना खा के हम लोग बाहर आ गए हैं और अब बारी है फीडबैक की। तो मैंने मुर्ग मुसल्लम ऑर्डर किया था, मैंने पालक बिरयानी और इसके अलावा उनका जो कोरमा था वो ऑर्डर किया था, कीमा ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरमे की। तो कोरमा वाज लाइक इट्स अ भुना हुआ गोश्त सॉर्ट ऑफ थिंग। द बोटी वाज अमेजिंग, ज़बरदस्त किस्म की गली हुई थी और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त था। कीमा भी अच्छा भुना हुआ था, क्योंकि जो मटन कीमा होता है ख़ास तौर पे वो बहुत मुश्किल होता है बनाना और अच्छे उसके अंदर से फ्लेवर को मेंटेन करना या क्रिएट करना, इट्स अ हेल ऑफ़ द जॉब। और जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने ऑर्डर की थी वो था उनका मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम भी बहुत ज़बरदस्त था और जिस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन थी, सजलिंग करता हुआ और ये वो, बट थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि जब वो वहाँ पे सजलिंग कर रहे थे तो जो धुआं निकला उसमें से सजलिंग प्लेट में से, तो वो काफ़ी लोगों को वहाँ पे जो बैठे हुए थे उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, देन हमने उसको मूव आउट करवा दिया। तो ओवरऑल जो पालक और वो भी था वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर था उसका। तो इट्स अ रियली वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप इस तरह का फूड खाना चाह रहे हैं और वेरी रीज़नेबल प्राइस में, मैंने आपको मेन्यू भी दिखा दिया है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव सच काइंड ऑफ देसी खाना इफ़ यू आर एट माल रोड और सराउंडिंग एरिया में है। वैसे तो यहाँ पे बुंदू खान और दीगर और भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप काइंडली इधर भी आइए, इधर भी विज़िट करें। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स टू द मैनेजमेंट जिन्होंने मेरे ख़ास तौर पे काफ़ी, क्योंकि वो पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने लेकिन इंसिस्ट किया बहुत और उसके बाद उन्होंने एक हेफ्टी किस्म का डिस्काउंट करके फाइनली मेरे से पैसे ले लिए। एंड थैंक्स टू हिम फॉर द सच अ वंडरफुल फूड एंड वंडरफुल डिस्काउंट। तो एनीवे ये थी जी मेरी आज की वीडियो। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।